दुर्गा पूजा को लेकर घाटशिला अंचल अधिकारी राजीव कुमार व मोभंडार ओपी प्रभारी रोहित कुमार ने गुरुवार को कई पूजा पंडाल और दुर्गा मंडप में तैयारियों का जायजा लिया और लाइट ट्रक को बेहतर करने के साथ सुरक्षा के हर इंतजाम करने को कहे। मौके पर पूजा समिति और पूजा मंडप के सदस्य भी शामिल थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। घाटशिला प्रखंड के धर्मबहाल में काफी दिनों से जाम कलवट को गुरुवार को जिला परिषद सदस्य कर्ण सिंह ने हटवाया, जिससे स्थानीय लोगों को बदबूदार गंदे जमे पानी से निजात मिल पाई। काफी दिनों से कलवट के जाम होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। गंदे पानी की निकासी रुक गई थी, जिससे लोगों में डेंगू का खतरा और भय व्याप्त था। मामले को स्थानीय लोगों ने कई बार घाटशिला के प्रखंड पदाधिकारियों से शिकायत की, परंतु इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। लोग काफी निराश थे। इस संबंध में जिला परिषद सदस्य कर्ण सिंह ने सूचना मिलते ही जाम कलवर को हटवाया, जिससे लोगों की बड़ी परेशानी हल हो गई। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। ये घाटशिला पे धर्मबहाल उत्तरी धर्मबहाल पंचायत में, ये वहाँ पे धर्मबहाल गांव है, जहाँ पे काफी तीन चार महीनों से यहाँ बारिश होने के कारण जल जमाव की स्थिति हो रखी थी। काफी ज्यादा जल जमाव था और रोड पे रास्ते पे 2 फीट 3 फीट का पूरा जल जमाव हमेशा रहता था। और एक सरकारी कलवट था जिसको एक स्थानीय व्यक्ति के द्वारा उसको बंद कर दिया गया था कि नहीं मेरी जमीन है हम जाने नहीं देंगे, जिससे पूरे घरों पे और खेत पे और रोड रास्ते पे 2-3 फुट का पानी जल जमाव था। बीते दिनों यहाँ पे जिला प्रशासन से लेकर राज्य से लेकर पूरे देश में डेंगू के प्रकोप को लेकर के बैठकें हो रही थी स्वास्थ्य विभाग से लेकर के सारी जगह पे। बट डेंगू का प्रकोप ठीक है, डेंगू होता है तो पानी से ही होता है ना, मच्छर का पैदाइश वहीं से होता है। आपको एक व्यक्ति के चलते पूरे लोग अगर बीमार पड़े और उनको ये मतलब सुविधा के लाभ ना ले पाए, जो सरकारी कलवट जो 85 से यहाँ बना रखा था, तो ये बहुत दुखद है। और समाज में सबको रहना है, सबको एक साथ मिलकर रहना है और सबके लिए सबको सोचना है, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए पूरे गाँव के लोग परेशान होते ये अच्छा नहीं है। और इस पे प्रशासनिक कार्रवाई भी हुई है, प्रशासन से भी बात हुई थी, सीओ सर भी लेटर इशू किए थे कि 6 दिसंबर को उनको 6 अक्टूबर को सॉरी उनको एक लेटर दिया गया था कि आप 24 घंटे के अंदर उस कलवट को खोल दीजिए। बट वो तो सरकारी आदेश को भी दरकिनार करके कोई फर्क ही नहीं पड़ता है उनको, और उस नाली को नहीं खोल रहे थे वो। तो फिर लास्ट जब हम लोग ब्लॉक पे थे, मालूम पड़ा कि ऐसा बात, चलो हम लोग खोलते हैं, तो फिर हम लोग खुद से कल आकर के इस नाली को पूरा खोले हैं और लेबर लगा के, और अब पानी पूरा निकल गया है गांव का, थोड़ा मोड़ा जो बचा अब निकल ही जाएगा। और लास्टली इसका एक समाधान ये है कि यहाँ पर रास्ते का उपाय करके और नाली को निकाला जाए कि पानी का आउटलेट कहीं निकाला जाए। तो इसके लिए भी हम लोग बैठक करेंगे दुर्गा पूजा के बाद, और सारा एक समाधान हो कि दिक्कत जो व्यक्ति है जिनका जमीन घर है जो भी, उनको भी ना हो और गाँव वालों को भी ना हो। हम लोग का धर्मबहाल पंचायत के अंदर पूरे फुलडुंगरी एरिया का पानी यहीं से होके आता है। कुछ दिनों से मतलब बरसात के पहले से ही साहू जी के द्वारा इसको बंद कर दिया गया। इधर जितना घर है सब में पानी जा रहा, सबके घर में महामारी फैल रहा, डेंगू वगैरह हो रहा। हमने मुखिया को भी बोला, मुखिया जी अपने स्तर से कोशिश किए, सीओ को लिखित दिया गया, सीओ साहब भी नोटिस किए, नोटिस के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो हम लोग अपने जिला परिषद छोटे भाई करण सिंह के पास गए, तो करण सिंह बेचारे अपने आए और यहाँ के अपने हाथ से इसको खुलवाया। आज उसका काम अभी भी जारी है, यहाँ पाइप डाल दिया जाएगा, इनका पानी भी निकलते रहेगा और साहू जी का आने जाने का भी रास्ता सुगम रहेगा, यही है। हाँ, ये जिला परिषद जो हम लोग का इस क्षेत्र के हैं, टिंकू सिंह, करण सिंह, कल इनसे संपर्क हुआ ब्लॉक में और ये खुद अपने यहाँ आकर के हम लोग को साथ में लाए और 2-4 ठो लड़का को लेकर खुद अपने हाथ से इसको ये नाली को जो है खाली करवाए हैं। इसीलिए इनको हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और भविष्य में जो भी नाली उली का काम काज को वो भी सब इस एरिया का देख लिए हैं और अपने स्तर से यथासंभव जितना हो सकेगा उतना का आश्वासन ये दिए हैं कि उतना काम हम लोग करा देंगे ताकि बस्ती के लोगों का समस्या का समाधान हो जाए। चलते बहुत यहाँ पर पानी जम हो गया था, रास्ता भी बहुत जाम हो गया था, तो आने जाने में सबको दिक्कत हो रहा था। डेंगू का भी बहुत है, मच्छर भी बहुत ज्यादा हो गया है यहाँ पर। पानी तो बहुत दिन से बहुत इकट्ठा होकर रहा है और बारिश आने से तो इतना तक पानी हो जाता है। रास्ते में आने जाने का सबको दिक्कत होता है, सुनता नहीं, वो रास्ता भी नाली का नहीं छोड़ रहा, पानी भी नहीं जाने दे रहा था। सरकारी करवट को बंद कर दिया गया, कुछ यही नहीं, फिर आके टिंकू सिंह आकर ये किया जिला परिषद आके, तब जाके हुआ। समस्या यही है कि कई दिनों से कलवट, सरकारी कलवट को चितरंजन साहू के द्वारा बंद कर दिया गया था और गांव वालों को इतना परेशानी हो रहा था, पूरा नाली 1500 फीट जाम था। सीओ को भी एप्लीकेशन दिया हुआ था, एसडीओ को भी दिया हुआ है,
लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। 24 घंटा का सीओ साहब उसको लेटर दिया, फिर भी कुछ नहीं किया, जिसके चलते पूरा ग्रामीण कल जिला परिषद के साथ मिल के नाली को खोल दिया गया। कितने सालों से बंद था? 4-5 महीना से बंद था, 5 महीना से बंद था। सीओ कितना बार एप्लीकेशन दिया? सीओ को दिया गया एप्लीकेशन, एसडीओ को दिया गया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ इस पर।